हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे कि सर्दी का मौसम आ चुका है, सर्दी के मौसम के साथ साथ इसको पूरा साल इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम बना क्या रहे हैं। तो हमारे पास ये शहद है, हनी है, तो हनी और ड्राई फ्रूट, तो हम हनी और ड्राई फ्रूट का एक बहुत अच्छा मिक्सर बना रहे हैं। और उसका जो फायदे है जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक बंडल है हेल्थ के लिए। तो आपके ब्रेन के लिए सबसे अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही सारे इसके जो फायदे हैं, ब्लड प्यूरीफायर है। इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, अनीमिया में मदद करता है, अगर आपके अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको भी ये पूरा कर देता है। इसके साथ साथ जिसको भी कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इस रेसिपी का अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं तो स्किन में भी ग्लो आएगा, सर्दी के अंदर जो स्किन ड्राई हो जाती है वो स्किन ड्राई भी नहीं रहेगी, और साथ ही साथ आपका जो हार्ट है, हार्ट के मसल मजबूत होंगे, ब्रेन मजबूत होगा, और साथ ही साथ जो ब्लड आपका वो भी सही से सर्कुलेशन करता रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो मेरे पास चीजें मैंने ली हैं, जो रेमेडीज मैंने ली हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ एक हनी है, तो यह हनी आप देख पा रहे होंगे, ये है मेरे पास हनी। तो ये हनी घर का है, शुद्ध हनी है, ये कोई डाबर डूबर कंपनी का प्रोसेस किया हुआ हनी नहीं है, डायरेक्ट जो छत्ते से एक्सट्रैक्ट किया हुआ हनी है। तो अगर ये हनी आप खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके ये हनी घर पर खरीद सकते हैं। उसको यहाँ पर मैंने खाली एक कांच का जार लिया हुआ जिसके अंदर हम ये बनाने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो मैंने 5 लिए हैं। सबसे पहले खजूर है, काजू है, उसके बाद बादाम है, उसके बाद अखरोट है, और उसके बाद ये मेरे पास किशमिश है। तो ये मेरे पास 5 ड्राई फ्रूट है और 6 शहद है। तो इनको मिक्स करके हम बनाने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त रेमेडी। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक रहेगी, और साथ साथ ब्रेन भी मजबूत होगा। रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ एक कांच का जार है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मेरे पास शुद्ध हनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ड्राई फ्रूट्स के कुछ फायदे बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका जो रेसिपी है बनाएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं आपको बादाम का फायदे। बादाम दोस्तों ब्रेन मेमोरी बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, हेल्प करता है। उसके बाद इसका अगर कैंसर सेल जो होते हैं शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको भी ये रिपेयर करता है और उनको निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद ये प्रेगनेंसी में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है बादाम का सेवन। दोस्तों, हार्ट को मजबूत रखने के लिए बादाम काफी ज्यादा फायदा करता है। सबसे बड़ा जो बादाम का फायदा वो ये होता है कि स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, स्किन को हमेशा तरोताजा रखता है बादाम, और स्किन को बूढ़ा नहीं होने देता बादाम। स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता, न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करता रहता है। बादाम के सेवन से स्किन को लंबे समय तक तरोताजा रखा जा सकता है। काजू के फायदे हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा फायदा काजू का है, और उसके साथ साथ इसमें भी हार्ट के लिए, हार्ट को हेल्थी रखने के लिए इसमें भी काफी सारे न्यूट्रिशंस है। उसके बाद काजू डाइजेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, शरीर की पाचन क्रिया को सही रखता है, आंखों की जो निगाह है उसको भी सही रखता है, साइड प्रॉब्लम नहीं होने देती। उसके बाद काजू नर्वस सिस्टम को भी अच्छा रखता है, जिससे हमारी नर्वस सिस्टम अच्छी रहेगी और हमारा ओवरऑल जो हमारे शरीर की ग्रोथ है वो भी सही रहेगी। उसके बाद खजूर के फायदे, खजूर सबसे जो बड़ा फायदा खजूर का ये होता है कि जिन लोगों के अंदर खून की कमी होती है उसको ये बहुत ही जल्दी पूरा कर देता है। उसके बाद खजूर के सेवन से जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होती है, उसको भी ये राहत देता है। और इसके साथ साथ खजूर के अंदर भी जो हमारी आंखों की दृष्टि है उसको ठीक करने की काफी ज्यादा ताकत है। जैसे खजूर के अंदर खून की कमी को पूरा करने के अंदर गुण है, वैसे ही इसके अंदर भी किशमिश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे गुण है जिसमें जो शरीर के अंदर खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसको पूरा किया जा सकता है। किशमिश के सेवन से जो कई लोगों को नींद आने में प्रॉब्लम होती है उसको भी ये
जो किशमिश है वो दूर कर देती है। रेगुलर सेवन करने से जो नींद की प्रॉब्लम होती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, उसमें काफ़ी राहत मिलती है, सही टाइम से नींद आने लग जाती है। उसके बाद किशमिश के अंदर इनफर्टिलिटी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम को ये ठीक करने की कोशिश करता है। जिन लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको भी जो किशमिश है वो ठीक रखती है। इसके साथ साथ किशमिश के अंदर एक और गुण है जो सबसे मुझे अच्छा लगा, वो ये है कि इससे शरीर के अंदर एसिडिटी नहीं होती और जो खट्टे खट्टे डकार है उनको भी ये बहुत ही अच्छे से ठीक करता है। उसके बाद अखरोट की बारी आती है, तो अखरोट के अंदर हमारी हड्डियों को मजबूत करने की बहुत सारी ताकत है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। जो अखरोट है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी सारी मदद करता है। अखरोट हमारे जो बॉडी वेट है उसको मैनेजमेंट करने की कोशिश करता है, बॉडी वेट को कंट्रोल करता है, उसको बढ़ने भी नहीं देता और कम भी नहीं होने देता, और साथ ही साथ हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अखरोट के अंदर भी ऐसे गुण है जो कि ब्लड के अंदर कैंसर सेल होते हैं उनको खत्म करने की कोशिश करता है। उसके बाद शहद की बारी आती है, जो हमारे पास हनी है ये नेचुरल हनी है, इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ब्लड के अंदर शुगर को लेवल कर देता है, शुगर को बढ़ने भी देता है और कम भी नहीं होने देता। उसके बाद स्किन की ब्यूटी के लिए हनी बहुत ही फायदेमंद है। स्किन में चमक आती है, ड्राइनेस खत्म हो जाती है। शहद के सेवन से स्किन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है, स्किन कभी भी बोडी नहीं होती। सबसे बड़ा जो फायदा इसका होता है वो ये होता है कि इससे कफ की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। तो हनी कफ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जब पुराने टाइम में बच्चे को खांसी होती थी तो थोड़े से शहद बच्चे को दे दिया जाता था, उससे उसके खांसी में काफी ज्यादा जो रिलीफ हो जाता था। उसके बाद शहद जो है वो एंटी फंगल है, स्किन की प्रॉब्लम आती हो रहती है तो उसके लिए भी शहद वो बहुत ही फायदेमंद है। स्किन की काफी सारी जो एंटी फंगल की प्रॉब्लम होती है, फंगस की प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये ठीक करने की कोशिश करता है और शरीर को फंगस से दूर रखता है। उसके बाद ये अल्सर में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे मुंह के अंदर अल्सर हो जाता है, पेट के अंदर अल्सर हो जाता है और शरीर के अंदर कहीं भी अल्सर हो तो शहद जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर कोई स्किन जल जाए तो वहां पर भी शहद जो बहुत ही फायदा करता है। जख्म हो जाए उनको भी बहुत जल्दी से ये ठीक करने की कोशिश करता है। मेमोरी को बूस्ट करता है और साथ ही साथ बहुत सारे न्यूट्रिशंस हमें प्रोवाइड करता है। तो अभी हम चलते हैं हमारी रेसिपी के ऊपर। तो रेसिपी कैसे बनानी है आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप घर पर रेसिपी बना सकते हैं। इस रेसिपी को घर पर जरूर बनाएं और एक डेढ़ महीना इसको ट्राई करें और उसके बाद आपको जो मैजिकल फायदे मिलेंगे आप देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक कांच का जार। तो इस रेसिपी के लिए कांच का जार अच्छा रहता है क्योंकि हम इसको लंबे समय तक रखने वाले हैं, एक डेढ़ मंथ तक इस रेसिपी को हम आसानी से रख सकते हैं और कांच के जार में कभी भी ये रेसिपी खराब नहीं होती। तो ये हमने कांच का जार लिया है। उसके बाद हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स में हम सबसे पहले यहाँ पर बादाम है, इसके अंदर बादाम डाल देंगे इस तरह से। सबसे पहले हमने बादाम डाल दिए, ज्यादा बादाम नहीं डाले, इतने डाल लिया। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शहद, इस तरह से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शहद। तो उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर अखरोट, तो मैं अभी कम कम डाल रहा हूं, ज्यादा नहीं डाल रहा। उसके बाद फिर से हम इसके अंदर हनी डाल देंगे इसी तरह से। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर खजूर। तो जैसे कि मैंने आपको फायदे इनके बताई दी है किस तरह से ये हमारे शरीर के अंदर फायदा करने वाले हैं, एक तरह से ये जो हमारी रेसिपी है ये ड्राई फ्रूट का जाम बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके अंदर डाल दिया और अब इसी के साथ साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर किशमिश। तो किशमिश अभी इसके साथ ही हम किशमिश डाल देंगे क्योंकि मैंने जो बर्तन लिया है, ये जार लिया वो छोटा लिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिया। और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं काजू। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से शेक कर लेंगे। तो ये हमने काजू भी इसके अंदर इस तरह से डाल दे रहे हैं और उसके बाद फिर से हम इसके अंदर डालेंगे शहद।
वेट करेंगे शायद को नीचे तक जाने के लिए। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये रेसिपी हो गई है तैयार। तो इस रेसिपी को हम तुरंत भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको एक हफ्ते के बाद इस्तेमाल करेंगे तो इसको जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और आपको खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इस रेसिपी का 1 से 2 चम्मच डेली इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज्यादा फायदा आपको देखने में मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस तरह की जो रेसिपी है ड्राई फ्रूट और शहद की रेसिपी घर पर बनाएं और शरीर को बीमारियों से दूर रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।